गाइस, तो हमारी चल रहे थे ओरिजिन सेंटर, जिसमें से हमने डी कैंडोले वाले को ओरिजिन उनके मतलब ओपिनियन देख लिए थे कि उन्होंने पूरे जो है उनको आठ सेंटर्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ चल रहा था, जिन्होंने क्या है पहले आठ सेंटर बताए थे, देन बाद में बढ़कर 11 हो गए थे। ठीक है, तो अब हम उन जो सेंटर्स है वो देखने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला था सेंटर चाइना। ठीक है, चाइना वाला पार्ट था जिसमें हमारी क्या 136 स्पीसीज है, इनका ओरिजिन सेंटर माना था। नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड था हमारा इंडियन सेंटर, जिसको हमने क्या हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारा मेन सेंटर और सेकंड था हमारा इंडो मलाया सेंटर। इंडो-मलाया सेंटर या हमारे मेन सेंटर में 117 स्पीशीज का ओरिजिन हुआ था, और हम अपने जो इंडो-मलाया सेंटर जिसमें हम इंडो चाइना वाला रीजन को इंक्लूड करते हैं, इसमें हमारे 55 स्पीशीज का ओरिजिन हुआ था। अब अगर हम अपने मेन सेंटर की बात करें तो हमारे मेन सेंटर में मेन सेंटर में हम किसे असम और ब्रह्मा इसमें हम किसको ए असम और बर्मा को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इंडो मलाया में हम इंडिया और थोड़ा बहुत चाइना का रीजन को इंक्लूड करते हैं। अब इनके हम मेन सेंटर में स्पीसीज के ओरिजिन की बात करें तो हमारे जो मेन सेंटर है इसमें कोकोनट मैंगो इस टाइप के बनाना मैंगो बनाना इनका ओरिजिन हुआ था। वहीं अगर हम अपने इंडो मलाया सेंटर की बात करें तो यहाँ पर बनाना हम्प जैसे स्पीशीज का ओरिजिन हम ओरिजिन सेंटर मानते हैं। उसके बाद हम अपने जो थर्ड है उसकी बात करें तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं हमारे सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया में को इसमें हम हमारे वेस्ट इंडिया, इसके अलावा अफगानिस्तान, और हमारे थोड़े से मतलब थोड़ा यहाँ पर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया अफगानिस्तान और वेस्ट चाइना को इंक्लूड करते हैं, जहाँ पर हमारी क्या है 43 स्पीसीज का ओरिजिन सेंटर माना जाता है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एशिया है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, अफगानिस्तान को, वेस्ट चाइना को। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हम एप्रिकोट, एप्पल, पियर ऐसे कुछ स्पीसीज है, एक्सेट्रा स्पीसीज है, इनका हम ओरिजिन सेंटर मानते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है फोर्थ की बात करें हम हमारे फोर्थ सेंटर की, तो फोर्थ सेंटर में हम हमारे ईस्ट एशिया को ले सकते हैं। ठीक है, हम अपने क्या है ईस्ट एशिया को ले सकते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं हमारे माइनर एशिया को, ईरान को और तुर्कमेनिस्तान को। ठीक है, इसमें हम क्या है हमारे नियर ईस्ट एशिया, ये हमारा कौन सा फोर्थ ओरिजिन पॉइंट है जिसमें हम माइनर एशिया को इंक्लूड कर रहे हैं। हम इंक्लूड कर रहे हैं ईरान को, तुर्कमेनिस्तान को। हम बात करें यहाँ पर 83 स्पीशीज का हम ओरिजिन सेंटर मान सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे हम बात कर सकते हैं हमारे अंजीर का, हमारे अनार का, इनका क्या है हम ओरिजिन सेंटर लेते हैं। इसका ओरिजिन सेंटर ले सकते हैं अंजीर, फिज का और हमारे पोमोग्रेनेट, या हम कह सकते हैं हमारे अनार का ओरिजिन सेंटर मान सकते हैं। इसके अलावा हम
हमारे बादाम भी ले सकते हैं, ठीक है। इनकी ऑरिजिन सेंटर के रूप में हम इसको मानते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने फिफ्थ ओरिजिन सेंटर की बात करें तो इसमें हमारे मेडिटेरियन रीजन आता है भूमध्य रेखा के आसपास का रीजन। ये जो हमारा मेडिटेरियन रीजन है इसमें हमारे 183 स्पीशीज का ओरिजिन हुआ था, जिसमें हम ले सकते हैं अपने शलजम को, ऑलिव को, ऑलिव ऑयल होता है हमारा जैतून वाला, उसको ले सकते हैं। देखिए इसमें हम अपने ऑलिव और टर्निक यानी हमारी शलजम, ठीक है, इनको हम इसमें लेके चलते हैं। उसके बाद जो हमारा छठा रीजन आता है वो हमारे एबेशियन रीजन का आता है, जिसमें हम किसको, इथोपिया को, सोमालिया को, इनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें हम हमारी इथोपिया सोमालिया को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम कहें तो हमारी कॉफी, कैस्टर, इनका ओरिजिन पॉइंट है, जिसमें हमारे कॉफी, कैस्टर, अमरवीट, इनका ओरिजिन सेंटर है। नेक्स्ट की हम बात करें तो देखिए यहाँ तक तो हमारे क्या है, ओल्ड वर्ल्ड वाले चल रहे थे। अब जो हमारे नेक्स्ट आएंगे, जो नेक्स्ट हमारे ओरिजिन पॉइंट है वो हमारे क्या है, न्यू वर्ल्ड से लेके है, जिसमें हम अमेरिका और हमारे साउथ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इंक्लूड करते हैं। हमारी सेंट्रल अमेरिका और साउथ मेक्सिको। अब देखिए सबसे पहली बात ये हमारा रीजन आ जाता है हमारे सेंट्रल अमेरिका को लेकर, जिसमें हम सबसे पहला प्लांट तो हम मेज ही लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या है, हमारे मेज को लेके चल रहे हैं, पीनट को लेके चल रहे हैं। बारले को लेके चल रहे हैं, पपाया को लेके चल रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पर किसका, इनका ओरिजिन सेंटर मानते हैं सेक्ट्रा का। नेक्स्ट हमारा है साउथ अमेरिका को लेकर। अब देखिए ये साउथ अमेरिका को इंडिया रीजन की तरह ही यहाँ पे इंडियन सेंटर की तरह ही आगे कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम पेरू, चिली और ब्राजील, ठीक है। तो इन्हीं जो हमारे तीन है साउथ अमेरिका के तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें कंट्रीज है, पेरू, चिली और ब्राजील, तो इनको क्या है, इनको सेंटर्स के रूप में लेके चला है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चिली में हमारा चिलियन सेंटर और ब्राजील में ब्राजीलियन सेंटर। इसके बाद देखिए इसके जो बेलीबॉब थे इन्होंने कहा कि इन्होंने 640 स्पीसीज को लिस्ट आउट किया था,
जिनमें से इन्होंने कहा कि 85% जो है वो हमारे ओल्ड वर्ल्ड में आई, जिनका ओरिजिन ओल्ड वर्ल्ड में हुआ था, जिनका डोमेस्टिकेशन ओल्ड वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था, 50% हमारी स्पीशीज का जो ओरिजिन है वो न्यू वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था। फिर उन्होंने कहा, इन्होंने 640 स्पीशीज को लिस्ट आउट किया और उन्होंने कहा 85% है वो हमारी क्या है ओल्ड वर्ल्ड में कल्टीवेटेड हुआ था, इनका डोमेस्टिकेशन ओल्ड वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था, 50% का कल्टीवेशन हमारे न्यू वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं वो आते हैं जुकोवेस्की और हल्लान। तो जुकोवेस्की ने क्या कहा कि कुछ देश छोड़ दिए इन्होंने, जैसे हम बात करें कनाडा, ब्राजील, नॉर्वे, साइबेरिया, इन्होंने क्या इन कुछ देशों को छोड़कर कहा कि इनको छोड़कर पूरे दुनिया में सभी कॉन्टिनेंट मिलाकर टोटल 12 मेगा जीन सेंटर है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कल्टिवेशन का या हम कहें डोमेस्टिकेशन का सेंटर या ओरिजिन सेंटर, इन्होंने क्या मेगा जीन सेंटर का। तो इनकी जो जुकोवेस्की की थ्योरी है वो जुकोवेस्की की थ्योरी हमारी मेगा जीन सेंटर थ्योरी है, जिन्होंने क्या है इन्होंने पूरी जो अर्थ है सारे कॉन्टिनेंट्स है इनको 12 जीन मेगा जीन सेंटर्स में क्या है डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे हल्लान थे जिन्होंने क्या है डिफ्यूज थ्योरी दी, इनके अकॉर्डिंग क्या है हमारे कोई भी स्पीशीज है, कोई भी हम कहें कोई भी डोमेस्टिकेटेड या कल्टिवेटेड स्पीशीज है वो क्या है उसको हम ये नहीं बता सकते, हम एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं बता सकते कि इसका डोमेस्टिकेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और किसी एक स्पीशीज का अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर और या हम कहें कि एक सेम टाइम पर, ठीक है, सेम टाइम या अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर डोमेस्टिकेशन या कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर ओरिजिन प्लेस या कल्टिवेशन प्लेस हम नहीं बता सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्री सिस्टम बताए, थ्री इंडिपेंडेंट सिस्टम दिए जिनकी जिनमें क्या है जिनमें थ्री इंडिपेंडेंट सिस्टम दिए, जिसमें एक तो हमारा सेंटर है, एक हमारा नॉन सेंटर है, या फिर हम कहीं एक हमारा ओरिजिन पॉइंट है, एक हमारा कल्टीवेटेड पॉइंट है। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट और हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जुकोवेस्की की मेगा जीन थ्योरी, इन्होंने क्या है कुछ देशों को छोड़कर जैसे ब्राजील को छोड़ दिया, नॉर्वे को छोड़ दिया, साइबेरिया को छोड़ दिया, ब्राजील को छोड़ दिया और कनाडा को छोड़ दिया। ठीक है,
इन्होंने इन पांच देशों को छोड़ दिया और कहा इन पांच को छोड़कर पूरी दुनिया में क्या है, हमारे ओरिजिन सेंटर्स हैं। ठीक है, इनको छोड़कर, पांच देशों को छोड़कर इनने कहा पूरी जो अर्थ है ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट पर हमारे क्या है, ओरिजिन पॉइंट प्रेजेंट है। इन्होंने क्या किया, सारे के सारे कॉन्टिनेंट को क्या है 12 मेगा जिन सेंटर में बांट दिया। इन्होंने देखिए इन्होंने ओरिजिन सेंटर क्या या डोमेस्टिकेटेड सेंटर का या कल्टिवेटेड सेंटर वर्ड का यूज नहीं किया, इन्होंने मेगा जिन सेंटर वर्ड का यूज किया। तो इन्होंने क्या है 12 मेगा जिन सेंटर्स बनाए हैं। अब उन 12 मेगा जिन सेंटर्स है उनके नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा चाइना वाला पार्ट है जिसमें क्या है इन्होंने पूरे चाइना को ले लिया। नेक्स्ट इन्होंने इंडो चाइना, थर्ड हमारा इंडिया आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो हमारा वेस्ट एशिया वाला पार्ट आ जाएगा। इन्होंने क्या है इंडिया, इंडो चाइना, फिर इंडिया वेस्ट, सॉरी हमारे वेस्ट एशिया और पेरू चिली और अमेरिका सेंट्रल अमेरिका, इसके अलावा यूरोप अफ्रीका, ऐसे क्या पूरे के सारे कॉन्टिनेंट इनको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये 12 पार्ट को उन्होंने क्या है इन्होंने मेगा जीन सेंटर नाम दे दिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देन नेक्स्ट हमारा जाएगा पेरू चिली, इसके बाद हम बात करें तो हमारा यूरोप और साइबेरिया। और देखिए वहां पर हमने स्पेशली नॉर्थ साइबेरिया का नाम लिया था, यहाँ पर यूरोप साइबेरिया को इंक्लूड कर लिया गया। उसके बाद हम बात करें तो हमारा आ जाएगा मेडिटेरेनियन रीजन। हमारा मेडिटेरेनियन रीजन है वो मध्य रेखा के आसपास का रीजन, उसको हमने क्या है उसको भी इन्होंने क्या है मेगा जीन सेंटर बना दिया है। हमारे सेंट्रल अमेरिका, हमारे नॉर्थ अमेरिका का पार्ट आ गया, हमारे क्या है हमारे सेंट्रल एशिया का पार्ट आ गया है। और नेक्स्ट हम लेके चले तो हमारा अफ्रीका। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया 12 सेंटर्स में डिवाइड कर दिया, चाइना इंडो चाइना इंडिया देन हमारी बात करें वेस्ट एशिया, हमारे सेंट्रल एशिया, यूरोप साइबेरिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मेडिटेरेनियन रीजन, पेरू चिली, या फिर हम कहें हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट है, उसके बाद यूरोप साइबेरिया
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या सभी कॉन्टिनेंट के लिए, इसमें देखिए यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट ले लिया, यहाँ सेंट्रल एशिया और ये सब वाला पार्ट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट का आ गया, यूरोप साइबेरिया हमारी यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट आ गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का पार्ट आ गया, उसके बाद हमारे पेरू चिली वाला पार्ट है, ये हमारे किसका साउथ अमेरिका का पार्ट आ गया, और यहाँ पर देखिए ये सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट आ गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे 12 पार्ट या हम कहें 12 मेगा जीन सेंटर्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हंटर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाए सेंटर और नॉन सेंटर या हम कहें ओरिजिन पॉइंट कल्टीवेटेड पॉइंट। तो इन्होंने क्या कहा कि हम ये नहीं बता सकते कि किसी भी स्पीशीज का या हम किसी भी क्रॉप का जो प्लांट का हमारे डोमेस्टिकेशन पॉइंट एक पर्टिकुलर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है एक ही समय पर या अलग अलग समय पर वो अलग अलग जगह पर डोमेस्टिकेटेड या कल्टिवेटेड की जाती है। इन्होंने क्या है, इन्होंने डिफ्यूजन थ्योरी देखी किसकी, ओरिजिन की। तो इन्होंने क्या है, थ्री इंडिपेंडेंट सिस्टम का ये थ्योरी दी है। इन्होंने क्या किया, एक ही टाइम पर किसी स्पीशीज को अलग अलग जगह पर या हम कहें अलग अलग जगह पर डोमेस्टिकेटेड किया गया है। सो हम क्या है बता नहीं सकते कि इनका ओरिजिन प्लेस को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम उसके ओरिजिन सेंटर को डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते कि इस स्पीसीज का पर्टिकुलर इसी प्लेस पर क्या है हमारा ओरिजिन हुआ है या डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ है। सो
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक ही किसी भी स्पीशीज का एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पर इनका डोमेस्टिकेशन हो सकता है, इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हो सकता है। सो हम ये नहीं बता सकते कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का जो डोमेस्टिकेशन है किसी पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट हो चुका। तो इन्होंने क्या किया, ओरिजिन को लेके 3 इंडिपेंडेंट सिस्टम दिया जिसके अकॉर्डिंग क्या, जिसमें क्या है, एक है हमारा सेंटर है, एक नॉन सेंटर, या फिर हम कहें एक हमारा कल्टिवेटेड पॉइंट है, एक हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो इसमें देखिए हमारे सिस्टम है और एक हमारा क्या है सेंटर है, एक हमारा नॉन सेंटर है, या फिर हम कहें एक हमारा ओरिजिन पॉइंट है, एक हमारा क्या है कल्टीवेटेड पॉइंट। ठीक है, एक हमारा क्या है हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, एक हमारा कल्टीवेटेड पॉइंट हो गया। जैसे कि हम फर्स्ट ले तो हमारा है पहला, ये है दूसरा, और ये 3 सिस्टम हो गए हमारे। तो इसमें क्या है हमारा सेंटर है, ओरिजिन पॉइंट है नियर ईस्ट, और इसकी हम बात करें इसका कल्टीवेटेड पॉइंट ये हो जाएगा हमारा अफ्रीका। हमारा क्या है हमारा फर्स्ट सिस्टम में, हमारे फर्स्ट सिस्टम में हमारा ओरिजिन पॉइंट है नियर ईस्ट, और इसके अलावा हमारा नॉन सेंटर है या हमारा कल्टीवेटेड पॉइंट हो जाएगा हमारा हमारा अफ्रीका। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेके चले तो एक हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका, एक हो जाएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो देखिए हमारे सेकंड सिस्टम में क्या है, हमारा जो हमारा ओरिजिन सेंटर है वो हो जाएगा हमारा चाइना, और वहीं हमारा जो नॉन सेंटर है वो हो जाएगा हमारा ईस्ट एशिया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट थर्ड सिस्टम में हमारा अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, और हमारा जो कल्टीवेटेड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका। यहाँ पर देखिए हमारे पहले पॉइंट में, हमारे पहले सिस्टम में हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो है नियर ईस्ट, और इसके अलावा फिर हमारा नॉन सेंटर या हमारा कल्टीवेटेड पॉइंट हो जाएगा हमारा अफ्रीका। फिर हमारे सेकंड सिस्टम में चाइना आ जाता है, चाइना में भी हमारा वेस्ट चाइना, ठीक है हमारा वेस्ट चाइना आता है। तो वेस्ट चाइना क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, और हमारा हम बात करें नॉन सेंटर या इसका कल्टीवेटेड पॉइंट हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया हो जाएगा। और हमारे थर्ड सिस्टम में हमारा क्या है हमारा जो ओरिजिन सेंटर है या हमारा सेंटर है वो हो जाएगा हमारा सेंट्रल अमेरिका, वही हमारा कल्टीवेटेड पॉइंट या हम कहीं नॉन सेंटर हो जाएगा जहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ या डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ वो हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है इनके ओरिजिन की थ्योरीज को लेके। नेक्स्ट आता है हमारा सीरियल्स, जिसमें हम देखिए सबसे पहली बात आती है हमारे सीरियल्स में कि सीरियल्स होते क्या है। तो सीरियल्स यानी अनाज, ये ना एक वर्ड है सीरिया, उससे मिलकर बना है, उस सीरिया वर्ड का मतलब होता है हमारे अनाज की देह। ठीक है, तो ये सीरिया वर्ड है, इससे हमारे जो सीरियल्स है इसकी क्या है हमारी उत्पत्ति हुई है। और ये जो सीरिया वर्ड है ये हमारे ग्रीक लैंग्वेज का क्या है वर्ड है, जिसका मतलब होता है हमारे अनाज की देवी। तो सीरियल्स का मतलब होता है हमारे पॉयसी फैमिली के मेंबर है, उनके हम ग्रेन्स को सीरियल्स कहते हैं। ठीक है, उनके ग्रेन्स को हम सीरियल्स या अनाज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखिए हम पढ़ेंगे गेहूँ के बारे में, हम पढ़ेंगे चावल के बारे में, हम पढ़ेंगे मक्का के बारे में, क्योंकि देखिए हमारे जो सीरियल्स होते हैं जिनको हम लेते हैं वो क्या है
एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है, ठीक है, यूनिकार्पेलरी होते हैं। इसके अलावा इनकी जो जो हस्त वगैरह होते हैं या इनकी जो आउटर कोट होते हैं वो फ्यूज टाइप में मिलते हैं। और इनकी हम बात करें तो ये ड्राई टाइप के होते हैं, ठीक है, ड्राई टाइप के होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, हमारे बीट को पढ़ेंगे, हम मक्का को पढ़ेंगे, हम चावल को पढ़ेंगे, इसके बाद हम शुगर कैन को और हमारे ऑयल यील्डिंग प्लांट जिसमें हम सरसों को लेके चलते हैं, सरसों के बारे में पढ़ेंगे, मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हम कुछ एक जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले प्लांट हैं उनको लेके चलेंगे।